तो हेलो गाइस, आपको प्रेजेंट टीएफ की तरफ वेलकम है। और आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करने एक नया, जिसका नाम इसको जल्दी से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। तो गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये ऐप क्या काम करती है, कितनी ओपी ऐप है। अगर आप मॉन्टेज के बनाना चाहते हो तो आप ये ऐप आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये जो है ये ऐप कैसे चलती है और कैसे सब चीज़ें होती हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जाना है इधर, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, नीचे प्लस के ऑप्शन पे जाना है और इधर भी एक प्लस का ऑप्शन होगा, इसको दबाना है। और जो भी आपकी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो जिसको भी आपको एडिट करना है उसे दबा दें। जैसे कि अभी मुझे ये वाली वीडियो को एडिट करना है, सही है। तो अभी आप देखें, वीडियोज़ में जाऊँगा और आपको ये नीचे ये वाली वीडियो करनी है मुझे। तो इसको मैं दबा के इम्पोर्ट कर दूँगा और फिर उसके बाद ये जो वीडियो है इसको मैं दबाऊँगा। और इसके बाद ये इधर एक उधर वाला निशान है, इसको दबाना है। और आपको इधर एक उधर वाला निशान नीचे भी, इधर ये टूल्स लिखा हुआ है, इधर आपको स्पीड दबाना है। और आप देख सकते हो कि ये पूरा, फिर इसको आपको 2x में जाना है। अगर आपको मॉन्टेज वाला सीन पार्ट लाना है या फिर ऐसा वाला लाना है, 4x वाला लाना है, 2x वाला लाना है, तो आप ये ला सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये बहुत अच्छा, ये आप देखिए, ये स्लो मोशन देखें, गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा स्लो मोशन ये बना है। तो गाइस आप ये देख लो, और बस आपको जैसे ही आपका स्लो मोशन बन जाए तो बस आपको इधर ये जो है ना, इधर आपको टिक बना लेना बस। पर मैं आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आप देख सकते हो इसके अंदर फ़िल्टर हैं। तो इसमें बहुत सारे फ़िल्टर हैं जिसमें आप वॉन्टेज, तो आपका ऐसा बन जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। और ये आप देख सकते हो इतने सारे फ़िल्टर हैं, इधर बहुत सारे फ़िल्टर हैं, बहुत सारे फ़िल्टर हैं इसमें। आप एक एक करके देखो कितने सारे फ़िल्टर हैं, आप ये देख सकते हो। और स्लो मोशन बहुत स्मूथ चल रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनके के एफएक्स दिखाने वाला हूँ कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे एफएक्स भी हैं, ग्लिच का एफएक्स है और भी बहुत सारे एफएक्स हैं। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे एफ़ेक्ट्स हैं इधर, ये ग्लिच एफ़ेक्ट्स भी है और बाकी सारे एफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि कलरफुल आते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑल फिल्टर में हम जाएंगे और जाके हम ये देखते हैं कि हम ये अब आपको इसमें इंपोर्ट करना है। अगर आपकी आपकी एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई है और आपको स्लो मोशन वगैरह सब लग गया है तो आपको जाके ना इसको इंपोर्ट कर देना है। और इंपोर्ट होने में जैसे ही पूरा फुल हो जाएगा तो इसमें थोड़ा इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, मतलब कि आपको 5-6 मिनट रुकना पड़ेगा पूरा इंपोर्ट होने के लिए, या 2-3 मिनट में भी हो जाता है कभी कभार। ये मैंने आपको कट करके दिखाया कि ये हो गया है इम्पोर्ट, और फिर आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये स्लो मोशन कैसा बना है, कितना अच्छा बना है, आप देखो।